धमकियों के बावजूद ज्ञानवापी मामले में वाराणसी पुलिस पर वकीलों को सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगा है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह ने कहा कि ज्ञानवापी प्रकरण में वादिनी राखी सिंह के वकील शिवम गौर को जिला पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, जबकि शिवम गौर के वाराणसी जाने की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। जितेंद्र सिंह ने अपने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी भेजा है। इसमें पुलिस अधिकारियों को शिवम गौर के वाराणसी आगमन की सूचना दी गई है। शिवम के वाराणसी पहुंचने के 13 घंटे बाद सुरक्षाकर्मी पहुंचे थे। उनके सुरक्षा में पहले 2 सुरक्षाकर्मी होते थे, मगर इस बार एक ही कर दिया गया है। ACP दशवा मेघ अवधेश कुमार पांडे ने बताया कि शिवम के आने की कोई सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं मिली थी। सूचना मिलते ही समय से सुरक्षा दे दी गई थी। जितेंद्र ने कहा कि अब वकील शिवम गौर को सुरक्षा न देकर यह सिद्ध करता है कि वाराणसी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विश्व वैदिक सनातन संघ से संचालित मुकदमों को रोकने का प्रयास कर रहा है। ज्ञानवापी मसले में मुकदमा नंबर 712/2022 भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान किरण सिंह विसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पर आज सुनवाई होनी थी। इसको लेकर जितेंद्र सिंह विसेन ने वकील शिवम गौर पर हमले की आशंका जताई थी। कहा कि वकीलों को डराया धमकाया जा रहा है, उनके और वकील शिवम गौर के साथ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सुनवाई को टालने की बात कही गई थी। इसीलिए शिवम गौर वाराणसी पहुंचे हैं। जितेंद्र सिंह विसेन ने कहा कि अब उनके लोगों को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी की वकालत बंद कर दूं। मेरे परिवार के सदस्य, सहयोगी और एडवोकेट अब कभी भी किसी षड्यंत्र या दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार हिंदू विरोध शक्तियाँ होंगी। दिल्ली में 4 लोग मिलकर नमस्ते किए और बोले कि इस केस को छोड़ दो। ब्यूरो रिपोर्ट, IPRA।